हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बस टाइप करना है यूट्यूब पर दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब टेलर। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा। तो हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से। तो यहाँ पे इन्होंने देखो देखिए मेंशन किया है कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कितनी जो वैकेंसीज है और किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है और किसके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए आप जो डिपार्टमेंट वाइज अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पे देखिए आपको साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। चाहे आपको ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंस, तो इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे जो वैकेंसी जो क्लियरली मैंशन कर रखी है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 40 वैकेंसीज मैंशन कर रखी है, और ये जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज को देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में जो है आप जो है लाइक फॉल हो रहे हैं तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जो है इसका स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो है ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू हैव टू सेंड इट टू hodgeography@cuk.ac.in। वहीं अगर आप लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंड करना hodls@cuk.ac.in। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी चीज मेंशन कर रखी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके साथ साथ आपको कहां पर जो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो भी भेजने हैं, किस मेल आईडी पे, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप जो इस अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आवरली बेसिस फैकल्टी के लिए भी पोजीशंस को निकाला गया। यहाँ पे हालांकि सैलरी आपको थोड़ी कम दी जाएगी, तो यहाँ पे एक टाइप का ये आपका असिस्टेंट टीचर जो है वो वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे जो है साइंस एज वेल एज नॉन साइंस सबके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 15 है, और यहाँ पे भी आपको सेम करना है जिस भी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग वीडियो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सब सेंड करने हैं रिस्पेक्टिव मेल आईडीज पे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब अगर बात करें यहाँ पे आपको कि एमोलुमेंट्स कितना दिया जाएगा, तो अगर यहाँ पे आपके पास जो है क्लियरली देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो होगा वो टेम्परेरी बेस पे होगा, और यहाँ पे सिर्फ आपको एक वन सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आपको जो हायर किया जाएगा, और ये जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको जो पैसा दिया जाएगा वो रहेगा 40,000 पर मंथ फॉर कैंडिडेट पजेसिंग यूजीसी सीएसआई नेट। अगर आपके पास नेट है तो आपको यहाँ पे 40,000 मिलेगा, मीन्स एमएससी प्लस नेट में 40,000। वहीं अगर आपके पास एमएससी प्लस नेट प्लस पीएचडी है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो आपको यहाँ पे 45,000 जो है वो आपको यहाँ पे जो है पैसा दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पे इंगेज टीचर की, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज पर आवर के हिसाब से जो है आपको मैक्सिमम 25,000 पर मंथ जो है यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आपको अदर एमोलूमेंट अलाउवेंस मेडिकल रीएम्बर्समेंट आर नॉट एप्लीकेबल, नो वैकेशन सैलरीज पेएबल, नो कंपलसरी लीव्स आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स, इसके अलावा आपका जो है सीएसआई यूजीसी नेट भी क्लियर हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने तो पीएचडी अपना वो 2009 से पहले रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पे नेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपका जो पीएचडी डिग्री वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जाम ने इवेलुएट किया होना चाहिए। आपका ओपन पीएचडी वाई वर्स हुआ होना चाहिए, और आपका यहाँ पे जो है कोर्स वर्क भी कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है एटलीस्ट आपका वन जो है पेपर जो है वो रिफर जर्नल में होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे 2 रिसर्च पेपर मेंशन कर रखा है, तो आपका 2 पेपर जो है आपका पीएचडी वर्क से हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी जो अपना अब्रॉड से किया तो आपका जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी किया है वो टॉप 500 रैंकिंग में होना चाहिए, और जो रैंकिंग में यहाँ पे मानी जाएगी वो रहेगी क्यूएस रैंकिंग, द रैंकिंग और एआरडब्ल्यूयू रैंकिंग। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो है आप देख लीजिए कि आप जिस भी पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट में आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके बाद ये जो है आप इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।